जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और सीजी स्टार में स्वागत है आपका। हमारे साथ में क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस और ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं, ड्रामा भी बहुत करती है, माही अहिर हमारे साथ में है। माहिर, अपने बारे में बताओ कि कितनी फिल्में अभी तक कर चुके हो आप? मैंने वैसे 4 फिल्में की हैं और एक फिल्म त्रिवेणी, उसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस था, तो ऐसे टोटल मैंने 5 फिल्म अभी कर ली है। कौन कौन सी आप मन 5 फिल्म करें हो आप मन? पहली फिल्म थी मेरी प्रतिशोध, फिर अंधियार, आशिक माया वाले, कहर, और उसके बाद अभी लफंटूस कर रही हूँ। त्रिवेणी में गेस्ट अपीयरेंस था। तो क्लासिकल संगीत का आप मन के पूरा डिग्री पूरा हो गई है, तो वो गाना गाना छोड़कर आप डांस करत हो और एक्टिंग करत हो, का लगते है मन? मेरे को ये प्रोफेशन एक ही लगता है, पता नहीं ये सिंगिंग अलग और एक्टिंग अलग ऐसा क्यों लेते हैं लोग। मेन इसमें काम रहता है आपके एक्सप्रेशन, आपके फीलिंग्स का, ठीक है? आप फीलिंग कैसे भी एक्सप्रेस करो, चाहे वो आप गाना गा के करो या फिर एक्टिंग करके करो, डांस करके करो, कैसे भी करो। इसमें यह है कि सामने वाले को, आप ऑडियंस को एंटरटेन करो और आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए। तो मैं भी अभी आप मन जैसे फिल्म कर रहे हो 5 फिल्म, कौन सा रोल आप मन ला सबसे अच्छा लगी? और ये अभी फिल्म कर रहे हैं लफंटूस कर रही हैं, हम लफंटूस के सेट पे हैं, ये पीछे मोर पीछे में बने हैं, लता मंगेशकर हॉल है, ये लता मंगेशकर के रामदास जी अग्रवाल ये बनाई सी हॉल ही है, उसके साथ में हम यहाँ पे लफंटूस से अजाज वारसी डायरेक्ट करते हैं, मनोज जो है दीप एम DOP भी है, एक्शन भी करत है और तीन काम करत है। का मनोज दीप के बारे में क्या बोलूँ आप मन? हाँ, मनोज सर के साथ में, वैसे ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, उनके साथ में मैंने इससे पहले भी काम किया है, इससे पहले भी उन्होंने मुझे नचाया है फाइटिंग कराई है सब, तो सॉरी फाइटिंग ये फर्स्ट है। आज से हम यहाँ पे क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, तो आज फाइटिंग हुई है यहाँ पे, और इससे पहले हमारा गाना हो चुका है, डुएट सॉन्ग था हमारा। कैसे लगा था लफंटूस में काम करते हुए? आजाज भाई कैसे डायरेक्टर हैं? एजाज सर, मेरी मोस्टली फिल्में एजाज सर के साथ में ही हुई है, वही डायरेक्ट किए हैं, और मेरे को फर्स्ट रोल देने वाले भी एजाज सर ही हैं। आप कह सकते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में एजाज सर ही खींच के लेके आए हैं। वैसे गॉडफादर आप मन कह सकते हो कि एजाज वारसी आप मन के फिल्म फैक्ट्री जो है गॉडफादर है वे? हाँ जी, कह सकते हैं। और एजाज सर मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं, और डायरेक्टर तो वो अच्छे हैं ही, और उनसे उनके साथ काम करते टाइम कोई बर्डन नहीं लगता है, कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं वो, और कब पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा माहौल रहता है सेट का भी, सब बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, सब साथ में अच्छे से खाना वाना खाते हैं, मतलब कुछ ऐसा कोई एक वो नहीं रहता स्पॉट बॉय है या फिर कोई नहीं ये फाइटर है या फिर बैकग्राउंड डांसर है, उस टाइप का कोई माहौल नहीं रहता यहाँ पे, सब एक जैसे ही। आप मन के पास में कौन सा सबसे अच्छा गाना है जो दर्शक मन ला सुनाना चाहते हो? आप सिंगर हो तो? मैं सिंगर हूँ नहीं, मैंने क्लासिकल सीखा है, मैं सिंगर हूँ नहीं अभी, जब मैं बन जाऊंगी तब सुनाऊंगी ये तो एक्सक्यूज लेकिन चल ही नहीं माही अहिर के जो भी आते जैसे भी आते तो हमन मन का है कि अपन कान ला बंद कर ले वो तो गाना ला सुन के। अच्छा, मतलब आपको पहले से मालूम है कि गाना अच्छा नहीं होगा? नहीं, आप मन जैसे बोला था कि मुला सिंगर नहीं हो और सिंगिंग के, लेकिन आप मन ट्रेनिंग ले हो, पढ़ाई करे हो, बी आनर्स करे हो आप मन म्यूजिक से, एक सेती बोला था मैं। ओके, फिर भी ले 4 लाइन आप मन से सुनना चाहते हैं, मन कैसे का गाना सुनाना चाहते हो आप मन? ओके, मैं ट्राई करती हूँ। का करूं सजनी आईना बालम, का करूं सजनी आईना बालम, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, तड़पत बीती मोरी उन बिन रतिया, आईना बालम का करूं सजनी आईना बालम। मैं यहाँ के टीचर रहते हूँ ना, तो आप मन लास्ट 100 में से 50 नंबर देता हूँ
बहुत अच्छा गाना गाया माही अहिर ने। मैं मजाक कर रहा था, तपेश जैन के बारे में क्या कहेगी माही अहिर? सर आपके साथ में भी मैंने शॉर्ट फिल्म तो की है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे एंकर भी हैं आप तो। अच्छा आज सिटी स्टार में आप मनला इंटरव्यू देते हुए कैसे महसूस हुआ था? I feel like a star. पहली बार देखो कि इंटरव्यू कर, पहले और भी इंटरव्यू दिए हो आप? इंटरव्यू दिया है मैंने इससे पहले भी, बट आपके साथ में इंटरव्यू देना भी अच्छा लग रहा है। तो यू फील ए स्टार? आई फील लाइक अ स्टार। स्टार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे साथ में बात की। एक बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।